हाय गाइस, दिस इज रज्जू। गाइस, मैंने तुम सबको ये तो बता दिया कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में हमें हर एक सुपर हीरो लाइक आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, जो फिलहाल एक तरह से मार्वल मूवीज से जा चुके हैं, वो भी देखने को मिलेंगे एंड उनके काफी सारे दूसरे वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे। पर यार, ये सब कुछ मार्वल सीक्रेट वॉर्स मूवी के लिए बचा के क्यों रख रहा है? इस मूवी को मार्वल एमसीयू का सबसे बिगेस्ट हिस्टोरिकल मूवी क्यों बनाना चाहता है? इस मेगा प्रोजेक्ट के पीछे का पर्पस क्या है? अगर तुम्हारे माइंड में भी ऐसे ही सवाल आ रहे हैं तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं देने वाला हूँ। एंड अगर कोई सवाल रह जाए तो कमेंट में पूछ लेना, तुम्हारा भाई सबको रिप्लाई करता है यार। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है बट रिप्लाई सबको मिलेगा। तो चलो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्वल इस मूवी पे इतना ज्यादा फोकस्ड क्यों है। क्योंकि न्यूज ऐसा भी मिल रहा है कि मार्वल खुद ये कह रहा है कि अगर तुम्हें लगता है कि एंड गेम में हमने जिस तरह सभी सुपर हीरोज को एक साथ मिलकर टीम वर्क करते देखा, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, तो तुम गलत हो। और ये साबित करेगा मार्वल खुद, ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें सीक्रेट वॉर्स में देखने को नहीं मिलेगा। पर इतने तामझाम आखिर मूवी के लिए क्यों? क्योंकि मार्वल इस मूवी के बाद एमसीयू को रिबूट करने वाला है। सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें ऐसा कोई और मूवी देखने को नहीं मिलेगा जो फिलहाल हम देख रहे हैं। उसके बाद वो फिर से नए कैरेक्टर्स बिल्ड करेंगे, नए यूनिवर्स बनाएंगे एंड ऑल। पर ये भी करने की क्या जरूरत थी यार, इतना बढ़िया तो चल रहा है सब कुछ। जरूरत है तो मैं याद होगा, वकांडा फॉरएवर मूवी में हमें टिचारा देखने को मिलने वाला था। स्क्रिप्टिंग वगैरह भी सब कुछ हो गया था, पर उनके सडन डेथ की वजह से फिर से सब कुछ रीअरेंज करना पड़ा एंड इससे फैंस को भी एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। तो यही एक मेन प्रॉब्लम है। अब जो मार्वल के कैरेक्टर्स हैं, उनमें से काफी कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, एक दिन उनकी भी डेथ होनी है। इसलिए अगर मार्वल इसी तरह से अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को कंटिन्यू रखता है तो या तो उन कैरेक्टर्स को रीकास्ट करना पड़ेगा या फिर मूवीज के अंदर स्टोरी में भी उन कैरेक्टर्स की डेथ दिखाना पड़ेगा, जैसा कि वकांडा फॉरएवर में किया गया था। एंड ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि डेथ कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं होता, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड चीज है। कब होगा, कैसे होगा, किसी को कुछ नहीं पता। अब दूसरा जो रीजन है एमसीयू को रिबूट करने का, वो है न्यू ऑडियंस। वक्त के साथ साथ ऑडियंस भी बदलते हैं। जो पुराने ऑडियंस है वो तो ठीक है, लेकिन जो नए ऑडियंस है, अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज ऐसे ही आता रहा तब तो यार आज से 50 साल बाद आए ऑडियंस को सारी मूवीज खत्म करने में ही आधी जिंदगी बीत जाएगी, और ये सोच के नए ऑडियंस मूवी देखने का हिम्मत भी नहीं करेगा। जैसा कि मैं खुद नहीं करता यार, किसी सीरीज का अगर ज्यादा सीजन या एपिसोड्स हो तो मेरा हिम्मत ही नहीं होता उसे शुरू करने का। यही दो मेन रीजंस है जिनकी वजह से सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू का रिबूट होने वाला है। पर यार, टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि रिबूट के बाद के 65 इयर्स तक का प्लानिंग केविन फेजी ने करके रखा है। पर यार, तब तक जिंदा रह पाऊंगा क्या मैं? लगता तो नहीं है। पर यार, आधी अधूरी मूवी देख के जाके स्वर्ग में भी मुझे शांति नहीं मिलेगा। तुम लोगों के पास कोई उपाय है क्या इसका? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट करके बताना एंड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लेना। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।